सर्वे संभाग में देश व विश्व की पहली उड़ाव कुड़ुख भाषा से बनी फिल्म का प्रदेश में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने फीता काट कर अंबिकापुर वसुंधरा मल्टीप्लेक्स में शुभारंभ किया। दरअसल सरगुजा अंचल के आदिवासी उरांव समाज में बोले जाने वाली कुड़ुख भाषा पर आधारित देश व विश्व की पहली फिल्म जहर जिंदगी गही आज से रिलीज हो गई है। इस फिल्म को बनाने वाली जसपुर जिले की संस्था झरना आर्ट्स ग्रुप के स्थानीय बोली भाषा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तथा कुड़ुख भाषा को सिनेमाई भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य को लेकर इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म में आदिवासी समाज एवं अंतरजातीय विवाह करने के बाद दोनों जीवन यापन करने के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, जिसके बाद कोरोना काल में पति की मौत हो जाती है और वह लड़की गर्भ से रहती है। इस दौरान वह विधवा महिला समाज के किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना होता है, इन सभी बातों को इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है। ये कुड़ुख भाषा की फिल्म है जहर जिंदगी गई, और ये यूफो के माध्यम से हमारे सरगुजा संभाग के दो शहरों में रिलीज हो की जा रही है। पहला है सिटी वसुंधरा सिटी प्लेक्स अंबिकापुर और दूसरा जय माँ दुर्गा डिजिटल पत्थलगांव। देखिए, कुड़ुख भाषा में बनाने का फिल्म का उद्देश्य यही है कि मैं स्वयं कुड़ुख भाषी हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मातृभाषा भी अन्य भाषा की तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाए। देखिए, चूँकि कुड़ुख भाषा पहली बार सिनेमा की सूची में या फिल्म की सूची में शामिल हुई है, इसमें हमको शामिल कराने में काफ़ी सारा दिक्कत हुआ, और वो दिक्कत ये था कि चूँकि हमारी भाषा सिनेमा की सूची में शामिल नहीं थी, इसलिए हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई है, हमारी फिल्म को या हमारी भाषा को कुड़ुख में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और हमारी कुड़ुख भाषा सिनेमा के 18वें सूची में भाषा के रूप में दर्ज कर ली गई है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय माननीय अमरजीत भगत जी स्वयं कुड़ुख समाज से संबंधित हैं, और संजोग कहिए या खुशी की बात कहिए कि वो सांस्कृतिक विभाग के मंत्री भी हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुड़ुख भाषा को एक पहचान तो जहां मिलनी है वो मिल ही रही है और आगे भी मिलेगी, लेकिन शासन स्तर पर हमें इस बात का बहुत आशा है कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कुड़ुख भाषा के विकास के लिए जरूर कुछ कदम उठाएंगे। साथियों, इस फिल्म की लागत करीब 19 लाख रुपए लगे हैं, जो कि हमारे बीच कुछ साथी मित्र हैं फाइनेंसर के रूप में जिन्होंने इसका वित्तीय बोझ उठाया है। निर्माता कौन है इस फिल्म का? निर्माता श्रीमती नीलम कुजूर, रोहित भगत हैं, और बैनर है झरना आर्ट्स ग्रुप। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर शासकीय टीचर हैं, जिन्होंने इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस फिल्म के ओपनिंग एवं प्रीमियर में पहुंचे संस्कृति मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो ट्रेडिशनल फिल्म बन रहे हैं कुड़ुख भाषा में, उसके लिए मैं बहुत इनके निर्माता को, निर्देशक को, सभी इसमें काम करने वाले पूरी टीम के पात्र जो टीम में सभी काम करने वाले टैलेंट्स को बहुत बधाई देता हूँ। और ये छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का ये प्रभाव है कि आज इस प्रकार की फिल्म बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनवा करके छत्तीसगढ़ की फिल्म और आंचलिक फिल्म और जो क्षेत्रीय भाषा के जो फिल्म हैं इनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया है। जो फिल्म छत्तीसगढ़ में फिल्माए जाएंगे फिल्म नीति के अनुसार, वो अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यहाँ के पात्र रहेंगे, यहाँ के टैलेंट्स को आपको प्लेसमेंट देना होगा, और जो नेशनल अवार्ड जीतेगा इसमें उसको 1 करोड़ रुपये का अनुदान है, और इंटरनेशनल अवार्ड ऑस्कर अवार्ड अगर जीतता है फिल्म तो उसको 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि पहले फिल्म
फिल्म नीति नहीं बनने से लोगों के सामने विजन नहीं था कि हम अगर उड़ान भर रहे हैं तो कहाँ तक हमको जाना है। लेकिन अब आपके सामने खुला आसमान है तैरने के लिए, उड़ने के लिए, और आप जहाँ तक जा सकते हैं आप जाइए। बिल्कुल सरकार की नीति आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पुनः सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जिंदगी जहर जहर जिंदगी गई, इसकी सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं।